हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। तो हम सभी को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ही चाहिए। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इस खाने की भूख लगती क्यों है? हमें कैसे पता चलता है कि अब हमें भूख लगी है और हमें खाना चाहिए? हमारी बॉडी में ऐसे क्या प्रोसेस होते हैं, ऐसे क्या फंक्शंस हो रहे होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अब हमें भूख लगी है और हमारी बॉडी को खाना चाहिए? आइए जानते हैं इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस अपनी आज की इस वीडियो की मदद से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। खाने के बिना हम एक लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। फूड इज लाइक अ फ्यूल फॉर अस। बिना फूड के सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक दो दिन खाना ना दिया जाए तो हमारी हालत खराब होने लगेगी। हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी बनती है प्रोटीन से, न्यूट्रिएंट से और कई रिएक्शन से जो कि हमें मिलती हैं खाने से जो हम खाते हैं। तो हमारे सर्वाइवल के लिए खाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये भी शामिल होते हैं। और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन रखते हैं, और फिर इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। बट सारा ग्लूकोज एक ही बार में यूज नहीं होता है, तो फिर पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है वो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और फैट में बदल देता है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा की कमी होने लगती है तो ग्लाइकोजन भी कम होने लगता है और हमें भूख लगने लगती है, और हमें भूख लगने का पता चलता है हमारे ब्रेन से। दोस्तों, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्रेन के इस पार्ट में सिग्नल जाता है और फिर ये हमें सिग्नल भेजता है कि हमें अब खाना खा लेना चाहिए। तो यही एक रीजन नहीं है, और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है। तो दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स कनेक्ट होते हैं और ये हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं। तो जो हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और अगर हमारी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है फिर ये रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हाइपोथैलेमस तक ये सिग्नल पहुंचा देते हैं कि बॉडी को अब फूड चाहिए। और इसको आप इससे भी समझ सकते हैं, जैसे कई बार आप खाना तो खा लेते हैं पर आपका पेट नहीं भरता क्योंकि बॉडी को वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो ब्रेन के साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें बताने के लिए कि हमें भूख लग रही है। तो होता क्या है, जब हमारा स्टमक खाली होता है तो हमारी बॉडी में भूख लगने वाले हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं। ग्रेलिन हार्मोन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ये मेनली स्टमक द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बट कभी कभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास और ब्रेन से भी रिलीज होता है। ये हमारे माइंड को सिग्नल भेजता है खाना खाने का, और फिर हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है खाने को, और जैसे जैसे हम खाना खाते हैं इस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और फिर जब हमारा पेट भर जाता है तो फिर हमारी बॉडी में लिप्टन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। तो ये ब्रेन को बताता है कि हमारा पेट भर गया है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है। बट अब सवाल आता है कि जब हमें फीवर होता है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो फिर हमें भूख क्यों नहीं लगती, हमें कुछ भी खाने की इच्छा क्यों नहीं होती? तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी बॉडी में साइटोकाइंस नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये साइटोकाइंस हमारी भूख को कम कर देते हैं क्योंकि फूड डाइजेशन के प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगती है। तो उस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ये केमिकल हमारी बॉडी के एपेटाइट को कम कर देते हैं, जिससे हम रेस्ट करते हैं, और जब हमारी बॉडी को हेल्दी फूड मिलता है तो ये केमिकल्स कम होने लगते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम फिर से ठीक वर्क करने लगता है।
तो दोस्तों आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि हमें भूख क्यों लगती है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या रिएक्शंस हो रही होती हैं हमारी बॉडी में, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें भूख क्यों नहीं लगती, कुछ भी खाने की इच्छा क्यों नहीं होती। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।